20 दिसंबर हमको हर साल ये याद दिलाता है कि आज पुलिस के हाथों शहीद किए गए 23 लोगों की आज तीसरी बरसी है। हिंदुस्तान का मुल्क जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है और जिसमें बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूशन हैं, अब वो पुलिस स्टेट बन चुका है। पुलिस से ये कह दिया गया है कि इस मुल्क का रहने वाला हर मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अजीब केस है कि 23 लोग मार दिए गए और हर जगह पुलिस ये कह रही है उत्तर प्रदेश की कि ये लोग आपस की गोलियों से मारे गए, सीनों पे गोलियां मारी गई और सीनों पे गोलियां ऐसी मारी गई हैं कि दुश्मनी के साथ मारी गई। पुलिस की जो गुंडागर्दी या पुलिस की तानाशाही है ये कब तक चलेगी और ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? एफआईआर जावेद मोहम्मद के नाम पे होगी और परवीन फातिमा का मकान बुलडोज कर दिया जाएगा। बीस दिसंबर हमको हर साल ये याद दिलाता है कि आज पुलिस के हाथों शहीद किए गए 23 लोगों की आज तीसरी बरसी है। उत्तर प्रदेश में एक साथ 21 लोगों को गोली मारी गई आज के दिन ही, और 19 तारीख को नौशीर और अब्दुल नाम के दो लोगों को पुलिस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस्ट पे बुलेट मारी मैंगलोर में। तो जब हम बात कर रहे हैं आज इस उनवान के तहत, पुलिस के रॉइड्स के तहत, जिसके लाठी के जोर से डायलॉग का स्पेस खत्म हो गया है, उसकी बात की गवाही आज यहाँ का प्रेस क्लब का रिसेप्शनिस्ट भी आपको देगा कि पुलिस ने पूरा जोर लगाया कि आज का ये प्रोग्राम नहीं हो, और उसी जोर से ताकत लगाई कि आवाज को, डायलॉग को, कम्युनिकेशन को उनकी धमकी से, उनके डंडों से और उनके जेल में डालने से और उनके यूएपीए लगाने से बंद किया जा सके। और इसीलिए हम लोग चाहे वो प्रेस क्लब में इकट्ठा हो, चाहे किसी सड़क में इकट्ठा हो, चाहे किसी के मकान में इकट्ठा हो, हम जब भी इस तारीख को इकट्ठा होते हैं तो कोई प्रोग्राम करने के लिहाज से इकट्ठा नहीं होते, बल्कि 7 लोग जो फिरोजाबाद में मारे गए हम उनको याद करते हैं और उनकी बरसी का शोक मनाते हैं कि पुलिस के इस मुल्क जो हिंदुस्तान का मुल्क जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है और जिसमें बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूशन हैं, अब वो पुलिस स्टेट बन चुका है। उस पुलिस स्टेट में जो 5 लोग मेरठ में मारे गए, जो 7 लोग फिरोजाबाद में मारे गए, जो 3 लोग कानपुर में मारे गए, जो 1 आदमी रामपुर में मारा गया, जो 2 लोग संभल में मारे गए, उसमें कहीं कोई इंसाफ नहीं मिला। आज से पिछले हफ्ते फिरोजाबाद में जो बच्चा पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, उसका बाप कैंसर से इस उम्मीद से मर गए, कैंसर से लौटते हुए इस उम्मीद को लेकर रुखसत हो गया, उसे ये उम्मीद थी कि शायद मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। अपने आप में ये अजीब केस है कि 23 लोग मार दिए गए और हर जगह पुलिस ये कह रही है उत्तर प्रदेश की कि ये लोग आपस की गोलियों से मारे गए, प्रोटेस्टर्स आपस में गोलियां चला रहे थे वो इसलिए मार दिए गए, और कहीं पर भी किसी भी जगह कोई एफआईआर नहीं हुई। सिर्फ एक जगह ऐसी वाहिद है फिरोजाबाद में जहां पर हम लोगों ने बहुत कोशिशों के बाद 5 केसेस में एफआईआर रीओपन कराई। कानपुर में थोड़ा बहुत मामला हुआ, और सरप्राइजिंगली बातें तो बहुत है, अगर सीए से ही बात शुरू करें और आज के दिन से बात शुरू करें तो डेथ हुई है मेरठ में और फ्यूनरल किया गया रात के 2 बजे संभल में, जो कि वहां से 150 किलोमीटर। घर वालों को घर से बाहर लॉक कर दिया गया ताकि वो मीडिया से बात नहीं कर सके। फुटेज घर के अंदर जा जाके डिलीट कराई गई। और मैंगलोर में, क्योंकि तो साउथ में थोड़ा सा स्पेस अभी बाकी रहता है भाजपा की सरकार आने के बावजूद, वहां पर इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी में दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, क्योंकि वो वीडियो फुटेज मौजूद है कि वो पीसफुली खड़े हुए लोगों को चेस्ट में गोली मारी गई। और जो 21 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए बुलेट इंजन से, उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसपे हमारे जामिया के दोस्त हारिस ने बात कही कि डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने पावर का इस्तेमाल किया। तो डिस्पर्स करने के लिए पावर का इस्तेमाल हमने मान लिया कि किया आपने, तो पुलिस ने टांगों पे किसी के गोले नहीं मारी। All of them, those who have lost their life, they received the bullet injury on his chest.
सीनों पे गोलियां मारी गई, और सीनों पे गोलियां ऐसी मारी गई हैं कि दुश्मनी के साथ मारी गई। और सिर्फ गोलियां नहीं मारी गई, गोलियों के साथ जो गालियां मिली हैं लोग प्रोटेस्टर्स को, वो सोचने वाली। और ये सिर्फ सीए प्रोटेस्ट की बात नहीं है, पूरे देश में इस वक्त जिस तरह से पुलिस का टेरर चल रहा है, सीए प्रोटेस्ट में कानपुर जैसे शहर में पुलिस एक एफआईआर करती है और उसमें 60,000 अननोन लोगों को पार्टी बनाती है, 60,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर, यानी कि अगले 3 साल तक कोई भी आदमी कहीं से जा रहा होगा उसको सीए प्रोटेस्ट के केस के नाम पे बुक कर दिया जाएगा। 20,000 लोगों के खिलाफ सहारनपुर में एफआईआर करी गई। अब सहारनपुर की पॉपुलेशन, अगर शहर की पॉपुलेशन 4 लाख की है तो 5% लोग उसके उस एफआईआर में है। तो कौन सा ऐसा पावर पुलिस के हाथ में आ गया है या पुलिस से यह कह दिया गया है कि इस मुल्क का रहने वाला हर मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। रामनवमी के वायलेंस हुए, करौली में हुआ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे हुए, आप देखेंगे कि 99% अरेस्ट जो है वो एटी कम्युनिटी से हो रही है। और जो बच्चा जेल से छूट के आ रहा है वो कह रहा है मुझे पिटाई से तकलीफ नहीं हुई, जो इस्लामोफोबिक गालियां हमको दी गई हमें उससे तकलीफ है। जब हमने करौली के लोगों से मुलाकात करी, करौली में जो लोग छूट के आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम तो उससे तकलीफ नहीं, मार पिटाई तो हो जाती है, लेकिन उन्होंने रमजान में हमारे साथ जो बदतमीजी करी, जो इस्लामोफोबिक ट्रीटमेंट हमारे साथ किया गया, तो उससे तो लगता ही नहीं कि ये पुलिस हमारे मुल्क की पुलिस। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तमाम चीजों की, तो उसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पुलिस का जो ओवरऑल रोल, हम सब जानते हैं, हम सब मान रहे हैं, पूरी सोसाइटी के जितने सेक्शंस हैं, वो मार्जिनलाइज कहें नॉन मार्जिनलाइज कहें, जब हम उससे पुलिस की बात कहते हैं तो वो कहती, हर आदमी कहता है पुलिस बहुत करप्ट है, पुलिस बहुत खराब है। लेकिन जैसे ही मार्जिनलाइज सेक्शन या ट्राइबल्स या माइनॉरिटीज की बात आती है तो वो पुलिस उनके लिए बहुत सही हो जाती है। वो पुलिस जब उमर खालिद और खालिद सैफी पर या शर्जील इमाम पर जब, या गुलफिशा फातिमा पर जब केस बुक करती है तो वो पुलिस बहुत ईमानदार हो जाती है। और जब वो साहब जो पुलिस को ईमानदार बताते हैं, जब उनके ऊपर कोई मामला होता है और वो एफआईआर लिखाने जाते हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो उनका ओपिनियन दूसरा होता है। तो सिर्फ पुलिस का ट्रीटमेंट हमारे साथ डिफरेंट नहीं है, बल्कि इस पूरी सोसाइटी का ट्रीटमेंट हमारे साथ डिफरेंट है, और इसीलिए पुलिस इस तरह से हमारे साथ इस्तेमाल कर रही है। आप जहां तक केसेस की बात है, केसेस सबको मालूम है कि किस तरीके से हर जो भी दिल्ली में जिसके ऊपर भी यूएपीए लगाया गया, उसको दूसरे केसेस भी पहले इन्वॉल्व किया गया, उनको सारे दूसरे केसेस में बेल मिल गई, कहीं कहीं पर जहां पर ट्रायल शुरू हो गया वहां पर वो डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया केस, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में यूएपीए लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में रीसेंट नुपुर शर्मा को लेकर प्रोटेस्ट हुए, और ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट हर जगह होते रहे। इलाहाबाद में 150 लोग गिरफ्तार हो गए, पूछा जाए तो किस कम्युनिटी के हैं, सारे एक ही कम्युनिटी के हैं। मकान वहां पर परवीन फातिमा का होगा और एफआईआर जावेद मोहम्मद के नाम पे होगी, और परवीन फातिमा का मकान बुलडोज कर दिया जाएगा। 47 बड़े मकान खरगोन में गिराए गए। अब पूछा गया कि खरगोन में इतने मकान आपने क्यों गिराए हैं, तो बोले साहब वो इंक्रोचमेंट था, एफआईआर थी, दिस दैट। अब आप जाके देखें अगर, तो जो खरगोन के राइट्स में सबसे ज्यादा मकान वहां बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है। खरगोन के राइट्स में जो कैजुअलिटी हुई है वो भी मुस्लिम कम्युनिटी की हुई है, जो जेल गए हैं 200 लोग वो भी मुसलमानों में गए हैं। और जब एफआईआर देखते हैं तो एफआईआर में पुलिस का ट्रीटमेंट खरगोन में ऐसा था कि एक कम्युनिटी का आदमी अगर जा रहा है तो एक टेंट लगाया गया है, पानी पीने का इंतजाम है, उसकी प्रॉपर एफआईआर लिखी जा रही है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जब आदमी जा रहा है तो उसको गालियां देके उसको एक्यूज बना के बुक कर दिया जा रहा है। हर जगह हम लोगों ने देखा। 2018 में कासगंज के केसेस से, कासगंज के कम्युनल वायलेंस से लेकर रीसेंट कम्युनल वायलेंस तक, सब जगह जो आदमी एफआईआर कराने जा रहा है वही एक्यूज है।
नॉर्थ ईस्ट वायलेंस में जो भी आदमी एफआईआर कराने गया वही एक्यूज है। 47 बड़े सेटअप्स को बुलडोज किया गया और उन लोगों ने जब बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बात करी तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट और मकान तो गिर गया है, कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट तो सिर्फ यही कहेगा ना कि हम इंक्वायरी कर सकते हैं। जिस आसाम के एविक्शन की, जो पूरे ब्रह्मपुत्रा रीजन में एविक्शन की बात करी जा रही है जिसमें मोर देन 2,20,000 हाउसेस हैं, उसके बारे में आसाम का हाईकोर्ट लास्ट वीक अपना ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को अगर पूरे मुल्क में कोई अपना दुश्मन नजर आ रहा है तो वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। आज आप देखें कि आज की डेट में, और ये सिर्फ सरकारों की बात नहीं है, पुलिस के माइंडसेट की बात है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर एक डीप स्टेट है वो डीप स्टेट बाय नेचर एंटी दलित है, बाय नेचर एंटी मुस्लिम है, बाय नेचर एंटी क्रिश्चियंस है। आज सबसे ज्यादा जो एविक्शन की और जो वायलेंस की स्टोरीज आ रही है वो बस्तर से आ रही है क्रिश्चियंस के खिलाफ, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो पुलिस ने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट की करना शुरू किया है, यूपी में 40 के ऊपर लास्ट 1.5 मंथ में 45 डेज में क्रिश्चियंस के चर्चेस पर अटैक हुए हैं, और कोई चर्च ऐसा नहीं रहा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15-20 अरेस्ट नहीं हुए हैं। वो क्या एलिगेशन है साहब? एलिगेशन ये है कि यहाँ पर संडे की प्रेयर में आप पुलिस लेके जाएंगे, लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। मेरे अपने होम टाउन में एक चर्च की संडे प्रेयर में 27 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनके रिलेटिव्स जो मुस्लिम कम्युनिटी में थे, इंटरकास्ट मैरिज थी, उनके रिलेटिव जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे वो खाना लेके गए तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो पता चला मुसलमान को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन है कि वो हिंदू को क्रिश्चियन बना रहा है, मुसलमान हिंदू को क्रिश्चियन बना रहा है, इसलिए अरेस्ट। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। तो ओवरऑल सवाल ये है कि ये पुलिस की जो गुंडागर्दी या पुलिस की तानाशाही है ये कब तक चलेगी और ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, यही सवाल हम लोग आप लोगों से छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।